अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूं माहा खान। इस वक्त हम मौजूद हैं एफएट कचहरी में और हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट चौधरी शिराज अहमद रांझा मौजूद हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं जो साइलिन के केसेस की लेट वजूहात हैं कि साइलिन की सुनवाई जल्दी क्यों नहीं होती, उनके केसेस क्यों लेट सुने जाते हैं और उनके फैसले आने में इतनी ताखीर क्यों होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया माहा। सबसे बड़ी वजह जो है केसेस के डिले होना और उनके जल्दी फैसले नहीं आते, वो ये है कि जो जजेस की कमी है। सबसे पहले हमें जजेस की कमी पूरी करनी चाहिए, जजेस नए जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, जो सिविल जजेस सिविल कोर्ट्स हैं उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए, इसी तरह जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए, और इसी तरह हमें जो हायर जुडिशरी है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि अदलिया ऐसे कौन से इकदाम कर सकती है कि जो अदालत में केस हैं उनको जल्दी फौरन इंसाफ मिल सके और सस्ता इंसाफ मिल सके। सबसे पहले माँ, इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनमें उनका एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़े, चाहे इसमें कवानीन में जितनी भी तरामीम करनी पड़े वो तरामीम फौरी करनी चाहिए, ताकि एक टाइम लिमिट हो उसमें, ये कोर्ट उसकी पाबंद हो के अगर एक सिविल केस है तो उसको मैक्सिमम 6 माह के अंदर फैसला करना है, अगर एक फैमिली केस है तो उसको 3 माह के अंदर फैसला करना है, अगर कोई रेंट मैटर है तो उसको भी मैक्सिमम 2 या 3 माह से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि विद इन 6 मंथ्स जो भी फौजदारी केस है उसका तमाम एविडेंस वगैरह कंप्लीट करके उसका डिसीजन आना चाहिए। कवानीन में ऐसी कौन सी तरमीम की ज़रूरत है जिससे जल्दी इंसाफ हो सके? ये मैंने आपको आपसे गुजारिश की है कि ये वही तरामीम होनी चाहिए जिसमें एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए कि ये जो फलां फलां केस है, ये सिविल है, ये फौजदारी है, ये फैमिली केस है, ये रेंट बैटर है, इसको इतने टाइम के अंदर कोर्ट ने हर सूरत डिसाइड करना है, और उसमें ऐसे जो भी रास्ते में हर्डल्स या मसाइल आते हैं, जैसे एक पार्टी जो है वो केस को लिंगर ऑन करना चाहती है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि अगर वो डिले करे तो उसको कास्ट वगैरह या फाइन होना चाहिए, और जो है ना कोर्ट की पार्स बढ़ानी चाहिए कि अगर ऐसा एक पार्टी है वो अपनी एविडेंस नहीं करवा रही, लिंगर ऑन कर रही है, तो कोर्ट उस कानून के मुताबिक उसके बावजूद भी जल्दी फैसला करे। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जो दिन ब दिन मुआशरे में बढ़ते हुए क्राइम हैं इनको रोकने के लिए हुकूमत या अदलिया को ऐसे क्या इंतजाम करने चाहिए जिनसे इन बढ़ते हुए क्राइम की शरह पर काबू पाया जा सकता है? माँ, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा पुलिस का निज़ाम है ना उसमें बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी किसी इलाका में किसी जगह पे जुर्म हो रहा है तो उसकी पहली जिम्मेदारी हमारी पुलिस पर आती है। अगर हमारी पुलिस विजिलेंट है, ईमानदार है, वो किसी तरफ से भी किसी के का असर व रसूख या उनकी मिली भगत किसी से नहीं होती, वो जो भी जुर्म हो फौरी उस पर एक्शन लें, और जैसा भी बंदा हो, चाहे कोई असर आदमी है चाहे कोई गरीब आदमी है, तो एक जैसा बर्ताव होना चाहिए और फौरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और फिर उसमें जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन करके जितनी एविडेंस है उसको बेहतरीन तरीके से रिजर्व करके सेव करके कोर्ट्स के अंदर पेश की जाए, तो वो फिर उन मुलजमान को सज़ा भी मिलेगी, और जब सज़ा मिलेगी और जल्दी केसेस का फैसला हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का किसी का असर व रसूख नहीं होगा, किसी के साथ नरमी नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली जरैम में कमी आ जाएगी। जी चौधरी शिराज अहमद रांझा साहब, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।